वेलकम लर्नर्स टू माय चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। ये लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन फिजिबिलिटी स्टडी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो जो फिजिबिलिटी स्टडी है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज which determine the existence of scope of developing an information system to the organization. This study should be done throughout the life cycle. While developing information system, ये जो feasibility study है, ये throughout the life cycle organization को करते रहना चाहिए। Why? Because it consists of activities which determine the existence of scope. जहां से हमें पता चलता है कि हम ये information system क्यों develop कर रहे हैं। So in a project at one point of time, it may seem that the project is feasible. कई बार क्या होता है कि जब हम कोई project बना रहे होते हैं, तो एक point पे लगता है कि ये project जो है वो क्या है, feasible है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमें फील होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये फिजिबल नहीं है, इनफिजिबल है। बट आफ्टर प्रोसीडिंग वन और टू फेजेस, इट मे बिकम इनफिजिबल। या तो ये इनफिजिबल बन जाता है, या ये लगता है कि ये इनफिजिबल हो गया। इट इज नेसेसरी टू एवलुएट द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिगनिंग में ही ये जान लें कि जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, क्या वो फिजिबल है। फिजिबल मीन्स क्या वो ठीक है इकोनॉमिकली, लीगली, टेक्निकली, राइट। तो अगर हम बिगनिंग में ही इस चीज़ को जान लेंगे कि हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है वो हमारे सिस्टम के लिए फिजिबल है, तो आने वाले फेजेज में, मीन्स आने वाले टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर हमें इस चीज का पता कुछ महीनों के बाद पता चलता है या साल के बाद पता चलता है, तो उससे बहुत सारा लॉस हो सकता है। बट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने आप को सेव कर सकती हैं अगर वो पहले ही पता कर लें कि जो सिस्टम डेवलप होने जा रहा है वो सिस्टम फिजिबल है। सो मंथ्स और इयर्स ऑफ एफर्ट्स, ह्यूज फाइनेंसेस कुड बी सेव्ड If an infeasible system is recognized at the earlier stage, कि अगर हमें earlier stage पे ही पता चल जाए कि जो system क्या है वो infeasible है, तो हम huge finances losses से जो है वो क्या हो सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। So feasibility study starts from the preliminary investigation phase. सबसे पहले हमारा जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो फिजिबल है या नहीं, इसके जो बिगनिंग है, ठीक है, वो प्रीलिमिनरी फेज से हो जानी चाहिए। तो किस उस फेज को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन फेज बोलते हैं। हमें एक एनालिसिस्ट अपॉइंट करना चाहिए जो हमें ये बता सके कि जो प्रोजेक्ट है वो कितना अर्जेंट है, और एस्टिमेट लगा सके कि उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट क्या है। एट दिस स्टेज द एनालिसिस्ट एस्टिमेट्स The urgency of the project and estimates the development cost. The next checkpoint is problem analysis. इसके बाद ये है कि जो हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं वो किस चीज के लिए बनाने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाए। So at this stage, analysis studies the current system. जो analyst है वो पहले current system को analyze करेगा। He or she does it understand the problem in the better way. अगर हम एक एनालिसिस जो पॉइंट करवाते हैं, तो वो प्रॉब्लम को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएगा। जैसे कि अगर हमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, अगर हम कोई आर्किटेक्ट अपॉइंट करवा लेते हैं, तो वो हमें पहले ही बताएगा कि हम आने वाले टाइम में इस बिल्डिंग में हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या इस बिल्डिंग को हम बेटर कैसे डिवेल्प कर सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमने कोई प्रोजेक्ट बनवाना है, तो बेटर है कि हम शुरू में ही एक सिस्टम एनालिसिस अपॉइंट करें जो हमें ये बताए कि प्रॉब्लम किस चीज़ की, प्रॉब्लम के लिए हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है।
उसको अच्छी तरह से वो डिफाइन करे. इट हेल्प्स हिम और हर टू मेक बेटर एस्टिमेट्स ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स. डेवलपमेंट गोल्स के बेटर एस्टिमेशन दे सकता है सिस्टम एनालिसिस एंड आल्सो टू फाइंड आउट द बेनिफिट्स. और आपको बताएगा भी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ये नया सिस्टम बनाने जा रही है उससे उसको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है. डियर लर्नर्स, अगर आप BCA, PGDCA या MCA के स्टूडेंट्स हो और ये वीडियो देख रहे हो, और अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए BCA, PGDCA, MCA किसी भी कोर्स की मैथ्स के अलावा, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 2642459 26, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो. और अगर आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ इसका मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन चैनल मेरा है परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस, वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो. राइट, नेक्स्ट इज इन फिजिबिलिटी एनालिसिस वी हैव टू स्टडी द फॉलोइंग. कौन कौन से इश्यूज हैं जो हम फिजिबिलिटी स्टडी में स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी, हमें ये देखना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है क्या वो टेक्निकल फिजिबल है. ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, जो प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनली फिजिबल होना चाहिए. देन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड लीगल फिजिबिलिटी. तो ये फोर फिजिबिलिटीज हैं. कई बार इनके ऊपर नोट भी आ जाता है, कई बार आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी. तो टेक्निकल फिजिबिलिटी इज कंसर्न्ड विद अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, इसका कनेक्शन है कि अगर हमने कोई सिस्टम बनाया है तो क्या उसके लिए प्रॉपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम, या जो हम बनवाना चाहते हैं क्या वो कंपैटिबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एंड मैच्योरिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी प्रपोज टू बी यूज्ड. और हो सकता है कि जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं आने वाले टाइम में उसके टेक्निकली क्या मैच्योरिटी होगी, उसको कैसे हम यूज करेंगे, ये सारी चीजें. मीन्स वो जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकल फिजिबल होना चाहिए, टेक्निकल ठीक होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए. एंड टू सी द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड टेक्निकल मैन पावर. और ये नहीं है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो अवेलेबल है लेकिन मैन पावर ही अवेलेबल नहीं है. तो ऐसे टेक्निकल मैन पावर या तो अवेलेबल होनी चाहिए या वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो एम्प्लॉइज एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो इसको सीख सके, ट्रेंड हो सके, तो ही वो प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकल फिजिबल हो सकता है. सो डियर लर्नर्स, इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. आई होप कि आपको टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में समझ आ गई है, आपको मीनिंग पता चल गया है कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है. Thanks a lot.